आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट लाहौर का, लाहौर स्मार्ट सिटी है। 3 रोड्स की मेन एक्सेस है, इसे मोटरवे की भी एक्सेस है। विद इन 55 डेज जो है अपना NOCLD से अप्रूव करवाया है, जो कि फास्टेस्ट अप्रूवल है हिस्ट्री के अंदर। Titanium Group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उमर भट्ट है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टाइटेनियम ग्रुप आपको रियल इस्टेट के बारे में डिफरेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट नोटिसेज और डिफरेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बताता रहता है। आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट लाहौर का, जिसके अंदर इस वक्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है आपको। ऑन इंस्टॉलमेंट्स आपको 3-year पेमेंट प्लान के ऊपर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 किनाल की कटिंग है। अगर हम बात करें सोसाइटी के नेम की, तो इस सोसाइटी का जो नाम है वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। इनके डेवलपर्स की अगर बात की जाए तो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड इनके डेवलपर हैं। इन्होंने इससे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के अंदर जो है लॉन्च किया। उसकी कामयाबी के बाद अब इन्होंने लाहौर में भी जो है वो अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से, जो कि एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे वाक़ है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, लाहौर स्मार्ट सिटी की लोकेशन काला शाखा को इंटरचेंज पर है और इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो रिंग रोड से इसको एंट्रेंस मिलती है। बाकी इसकी एक्सेस की बात करें तो इसको 3 रोड्स की मेन एक्सेस है, इसे मोटरवे की भी एक्सेस है और इसके साथ साथ मेन GT रोड की एक्सेस है और मोटरवे के साथ साथ रिंग रोड भी इसके साथ कनेक्टेड है। इस एक्सेस पॉइंट की वजह से ये बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन पे आती है। इससे आप अगर अंदाज़ा करें तो M11 मोटरवे के थ्रू आप सियालकोट की तरफ जा सकते हैं, GT रोड के ज़रिए आप गुजरांवाला की तरफ जा सकते हैं, और अगर M2 की बात करें तो लाहौर टू इस्लामाबाद की तरफ भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। इससे पहले एक सोसाइटी लॉन्च हुई थी SA गार्डन्स, जो कि काफ़ी हद तक डिवेल्प हो चुकी है। उसके 2 फेजेज़ भी इसी रोड के ऊपर हैं, लेकिन वो कुछ आगे जा के आते हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो आप जो एयरपोर्ट है इससे विद इन 30 मिनट की एक्सेस में है। मेन लाहौर सिटी में आप 20 मिनट्स में आ जाते हैं, और इसी तरह रिंग रोड की एक्सेस से आप ठोकर न्याज बेग भी जो है विद इन 25 to 30 मिनट्स जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। काफ़ी अथेंटिक प्रोजेक्ट है। इनके डिवेलपर्स की अगर बात करें तो डिवेलपर्स ने इससे पहले लाहौर इस्लामाबाद के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी खिदमात पेश की हैं। इन्होंने मोटरवे भी जो है वो कंस्ट्रक्ट की हुई है। इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें मेट्रो बस का जो प्रोजेक्ट है वो भी इन्होंने डिलीवर किया। इन्होंने DHA और बहरिया टाउन में भी काफ़ी वर्किंग की है, और एक एयरपोर्ट भी इन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। अच्छी अनाउंसमेंट की अगर बात करें इसमें, तो वो सबसे अच्छी डिवेलपमेंट ये है कि ये LDA से अप्रूव्ड है, और रिसेंटली इन्होंने विद इन 55 डेज़ जो है अपना NOCLD से अप्रूव करवाया है, जो कि फास्टेस्ट अप्रूवल है हिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इधर एक इसी लोकेशन पे विद इन 4 to 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको 4 मेजर यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं, जिसमें GC यूनिवर्सिटी आ जाती है आपकी, पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस आ जाता है, UET का कैंपस आ जाता है, लाहौर यूनिवर्सिटी का एक भी कैंपस जो है वो भी है। इसके अलावा अगर अम्यूनिटीज़ की बात करें तो इस सोसाइटी में अभी डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है, और इसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मैक्सिमम पार्क्स, मॉस्क और डिफरेंट जो अम्यूनिटीज़, जिसमें शॉपिंग मॉल्स और डिफरेंट जो अम्यूनिटीज़, जिसमें आपके लिए जूज और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए प्रॉपरली कमर्शियल, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लोकेशन वाइज, अम्यूनिटीज़ वाइज अगर इसको हम देखें तो वन ऑफ़ दी बेस्ट सोसाइटी है। इससे पहले जो हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ अगर उनकी हम बात करें, जिसमें DHA आ जाता है, अस्करी आ जाते हैं आपके, इनके कुछ फेजेस वो इसी वजह से जो हैं वो डेवलप हुए, क्योंकि उनके अंदर अम्यूनिटीज़ प्रॉपरली दी गई, उनके अंदर जो है आपको जो एक्सेस लाहौर की दी गई वो बहुत प्राइम है, रिंग रोड से अटैच्ड हैं और ये भी रिंग रोड से अटैच्ड है। बहुत ही अच्छी जो है प्राइसेस के ऊपर आपको 3 इयर्स पेमेंट प्लान में आप बुकिंग करवाते हैं। अगर मैं इसकी प्राइसेस की बात करूं तो जो 5 मरला का प्लॉट है आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक में ओल्ड बुकिंग पे अगर आप लेते हैं तो वो 18 लाख रुपए का मिलता है। इसी तरह अगर आप इसमें 10 मरला देखेंगे
10 मरला आपको 33 लाख में मिलेगा और जो एक कनाल है वो 54 लाख की प्राइस में है। इन प्राइसेस के ऊपर क्योंकि न्यू पेमेंट प्लान भी इशू हो चुका हुआ है तो कुछ प्रॉफिट जो है वो डिपेंड्स ऑन टाइम जो है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। यानी आज कुछ रेट है, कुछ देर बाद अगर आप कॉल करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस जो हैं वो मुख्तलिफ टाइम्स पे लोग देख के हमसे क्यूरी करते हैं, तो उस टाइम के मुताबिक इस पेमेंट प्लान के ऊपर जो प्रॉफिट चल रहा होगा उससे मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट कर दूंगा। बाकी अगर न्यू पेमेंट प्लान की बात की जाए तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के न्यू पेमेंट प्लान भी आ चुके हैं जिन पे आप फ्रेश बुकिंग करवा सकते हैं। ऑनलाइन आप ओपन फॉर्म्स हैं क्योंकि, तो ऑनलाइन आप किसी भी शहर से किसी भी कंट्री से हमारे साथ बुकिंग करवा सकते हैं। और उसमें अगर प्राइसेस की बात की जाए तो 20% जो प्राइसेस हैं वो इम्प्रूव हुई हैं। इस वक्त जो 5 मरला की प्राइस है वो 21,60,000 है, यानी 21,60,000 इसकी 5 मरला की प्राइस है। 10 मरला जो है आप 39,60,000 में मिलेगा और जो 1 केनाल की प्राइस है वो आप 64,80,000 है। तो ये प्राइसेस जो हैं ये न्यू प्राइसेस हैं और इसमें आप फ्रेश बुकिंग करवा सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉफिट वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है, अगर इसकी ट्रांसफ़र फ़ीस की बात करें तो 75,000 रुपीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र फ़ीस है, जो कि ओल्ड बुकिंग पे जो लोग बुकिंग करवाते हैं तो उनको वो पे करनी पड़ती है। जो फ्रेश यानी ओपन फॉर्म्स लेते हैं तो वो प्रॉफिट देते हैं, जो रिसेंटली परचेज तो ट्रांसफ़र करवाते हैं तो वो ट्रांसफ़र फ़ीस पे करते हैं। तो इस तरह का एक सिनेरियो है। इसके अलावा इसमें एक ब्लॉक ओवरसीज़ ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो LDA से अप्रूव्ड हैं। और जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसमें जो है आपको प्राइसेस की अगर बात करें तो ओल्ड बुकिंग में वो 1,00,000 रुपये महंगी मिलती हैं आपको फाइल्स एग्जेक्टिव ब्लॉक से। और अगर न्यू पेमेंट प्लान की बात की जाए तो उसमें आपको जो ओवरसीज़ ब्लॉक की फाइल्स हैं वो 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 रुपये महंगी मिलती हैं। सारी फाइल्स के ऊपर 1,20,000 रुपये ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं आपको ओवरसीज़ ब्लॉक के। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम लाहौर स्मार्ट सिटी में बाइंग क्यों करें। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बहुत सारे लोग जो डिमांड करते हैं लाहौर के अंदर या किसी भी सिटी के अंदर की जो सोसाइटी है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, जिस एरिया में वो बाइंग कर रहे हैं वो LDA से, CDA से, RDA से वो अप्रूव्ड होना चाहिए ताकि उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो सेफ़ हो। तो जो लाहौर स्मार्ट सिटी है इसके दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो इस वक्त LDA से अप्रूव्ड हैं और इन ब्लॉक्स में अगर आप बाइंग करते हैं और अपनी इंस्टॉलमेंट्स ये प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं तो यही जो प्राइसेस आप इस वक्त अगर 5 मरला 18,00,000 रुपये का लेते हैं तो ये आपको फ्यूचर में 40,00,000 प्लस में जो है वो आपका प्लॉट है। क्योंकि प्राइसेस जिस जिस तरह डेवलपमेंट सोसाइटी करती है प्राइसेस इंक्रीज़ होती जाती हैं और एक वक्त वो भी आता है कि प्राइसेस डबल या ट्रिपल हो जाती हैं। तमाम रियल एस्टेट के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सेम वे से जो है लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं और सेम वे में उनको डबल ट्रिपल प्रॉफिट्स हुए हैं जिनसे उन्होंने फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट्स की और अपने आप को यानी कि एक स्टेबल पोजिशन में ले हैं। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट जिस पर मैं बात करूँ तो लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है। आपको विद इन जो है 4 किलोमीटर 4 यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, मैकडोनल्ड्स, KFC और डिफरेंट अम्यूनिटीज़ आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हैं। और एक्सेस वाइज आप गुजरांवाला की तरफ भी जा सकते हैं, सियालकोट की तरफ भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद की तरफ भी जा सकते हैं और लाहौर से अगर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है इसका। इसके नज़दीक आपको मेगा स्कूल्स भी मिल जाते हैं, इसके नज़दीक आपको स्कूल्स, मॉस्क और डिफरेंट अम्यूनिटीज़ जो हैं अवेलेबल हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी भी है। डिफरेंट सोसाइटीज़ इससे प्रीवियस भी यहाँ पे लॉन्च हो चुकी हुई हैं जिनमें ऐसे गार्डन भी है और अल रहमान गार्डन का भी एक फेज़ है, फेज़ 3 है इसके पास और डिफरेंट सोसाइटीज़ इसके नज़दीक जो हैं अवेलेबल हैं और मेन GT रोड की एक्सेस भी जो है इसको जो बहुत ही प्रोमिनेंट करती है। थर्ड पॉइंट पे ये है कि जो लोग अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये जो भी प्लॉट्स हैं वो 3 ईयर्स आफ्टर कॉस्ट करते हैं। तो इस वक्त अगर वो 18,00,000 रुपए का प्लॉट बाय कर रहे हैं तो अगर यही प्राइस आप 3 ईयर्स आफ्टर देखेंगे तो वो 18,00,000 नहीं होगी, वो डबल हो चुकी होगी क्योंकि सोसाइटी डिवेल्प भी हो चुकी होगी और उस वैसे ही टाइम के साथ साथ जो है वो प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट में अगर मैं बात करूँ कि क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपकी जो लाहौर स्मार्ट सिटी है ये बहुत जल्दी डेवलप होने वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस वक्त जो है जो इनका प्रीवियस प्रोजेक्ट है उसमें डेवलपमेंट थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्ट थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
पहाड़ हैं और लैंड जो है वो अप्स एंड डाउन रखता है अपने अंदर, तो उसको लेवल करना, उसको डेवलप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और टाइम टेकिंग है, लेकिन वो भी डेवलप हो रहा है और उसमें भी इस वक्त हर प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट जो है वो गेन हो रहा है लोगों को। तो इसमें ये है कि क्योंकि लाहौर का फ्लैट लैंड है और फ्लैट लैंड के ऊपर बहुत जल्दी जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है और इनकी 100+ मशीनरीज जो हैं वो इस वक्त जो अपनी साइट पर आ चुकी हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो अभी स्टार्ट कर दी गई है और जल्द ही इसमें जो है वो बैलेटिंग का प्रोसेस भी आएगा, जिसमें मैक्सिमम जिन लोगों ने हमसे फाइल्स रिसीव की हैं या जिन्होंने भी बाइंग की है उनको अपने प्लॉट्स की लोकेशंस का पता लगेगा और लोकेशन वाइज उनके प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ होगा। ठीक है, बैलेटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी बैलेटिंग नहीं हुई, आप जो भी फाइल परचेज करेंगे उसमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो लोकेशन प्लॉट्स जो हैं वो आपके बैलेटिंग में आएँ, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर तो कई सोसाइटीज़ जो हैं वो विद नंबर्स विद प्रपोज्ड मैप जो है वो प्लॉट्स को बेचती हैं, जिसमें शुरू में ही प्रॉफिट पे करके वो प्लॉट्स बाय करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अभी बाइंग करेंगे, जैसे ही बैलेटिंग होगी आपका हम जो है वो जो भी प्लॉट है उसको लोकेशन वाले प्लॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स हासिल करना चाह रहे हैं या इसके बारे में कोई डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ मेरा नंबर ओवरसीज़ क्लाइंट और लोकल क्लाइंट्स के लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमो पे मुझसे लाइव कॉल कर सकते हैं, आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टाइटेनियम ग्रुप अपने तमाम क्लाइंट्स को ओवरसीज़ और लोकल क्लाइंट्स को ये ऑप्शन देता है कि वो ऑनलाइन जो है प्रोसीजर के थ्रू हमें अप्रोच करें और आपको हमेशा अथेंटिक जो है वो एडवाइसेस और अथेंटिक डिस्कशन जिस पे आपका जो है प्रॉपरली फ्यूचर में बेनिफिट होगा सिर्फ वो ही प्रोवाइड की जाएगी। हम ओनली जो है अथेंटिक प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं, पाकिस्तान में मोर देन 183 प्रोजेक्ट्स हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी प्रॉपर्टी बाय या सेल करना चाह रहे हो तो आप मेरे नंबर पर जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।